आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान खबरें सबसे तेज। अनलॉक दो में बढ़ रहा है राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 13 दिनों में मिले 7,000 के करीब कोरोना पॉजिटिव मरीज। राजस्थान में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अनलॉक दो के 13 दिनों में रांची में 6,922 नए संक्रमित मिल चुके हैं। वही जोधपुर, अलवर और जयपुर, बीकानेर और पाली में सबसे अधिक संक्रमित मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि इस दौरान जिन मिले संक्रमित में से 50% से अधिक मरीज केवल इन 5 जिलों में है। जोधपुर जिले में सबसे ज्यादा 1,131 नए संक्रमित मिले हैं। इसके बाद अलवर में 725 और बांसवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और झालावाड़ जिलों में 10 से कम संक्रमित मिले हैं। इन 10 जिलों में सबसे ज्यादा संक्रमित मिले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जोधपुर में 1,131 अभी तक जुलाई के स्टार्ट में अनलॉक दो की स्टार्टिंग में अभी तक मिल चुके हैं। अलवर में 725, जयपुर में 645 और बीकानेर में 721, पाली में 413, जालौर में 380, वही बाड़मेर में 360, भरतपुर में 354 और नागौर जिले में 303 केस मिल चुके हैं। अजमेर जिले में 258 केस मिले हैं और 5 जिलों में 10 से संक्रमित कम मिले हैं। जिन अनलॉक दो के दौरान 5 ऐसे जिले राजस्थान में जहां पर 10 से कम संक्रमित मिले हैं, जिसमें बांसवाड़ा से 5, बूंदी से 8, चित्तौड़गढ़ से 4 और जैसलमेर से 9 और झालावाड़ से 7 केस मिले हैं। वहीं 10 से अधिक संक्रमित जिलों में सबसे ज्यादा 10 से अधिक केस मिले हैं, जिनमें 12 से 11, भीलवाड़ा से 35, चूरू से 71, दौसा से 80 और धौलपुर से 165, डूंगरपुर से 52 और गंगानगर से 26, हनुमानगढ़ से 74, झुंझुनू से 93 और करौली जिले से 25 मिले हैं। वही कोटा से 145, प्रतापगढ़ से 133, राजसमंद से 142 और सवाईमाधोपुर से 27 और सीकर जिले से 150 मरीज मिले हैं। वही सिरोही जिले से 86, टोंक जिले से 13 और उदयपुर से 198 और अन्य राज्यों से आए मरीज भी 45 मिले। वही BSF के 2 जवान भी कोरोना पॉजिटिव अनलॉक 2 के स्टार्टिंग से अभी तक 13 दिनों में मिल चुके हैं। सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद और उप मुख्यमंत्री पद से हटाया। PCC के नए अध्यक्ष बने गोविंद सिंह डोटासरा। कांग्रेस आलाकमान ने मंगलवार को सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से और उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया है। इसके बाद पुलिस ने गुर्जर बहुल्य इलाकों जैसे दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, भरतपुर समेत कई जिलों पर हाई अलर्ट जारी हो गया है। जानकारी के अनुसार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जिलों में पुलिस अधीक्षकों को पुलिस को अलर्ट और अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर दिया गया है। अतिरिक्त महानिदेशक लॉ और कानून मामले के सौरभ श्रीवास्तव ने आदेश जारी करते हुए गुज्जर बहुल्य इलाकों में पायलट के समर्थकों को देखते हुए दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, टोंक और सवाईमाधोपुर और भरतपुर समेत कई जिलों को में हाई अलर्ट जारी किया है। हाई अलर्ट करते हुए सभी पुलिस अधीक्षकों को इस प्रकार की कोई कानून व्यवस्था कार्रवाई करें जिसमें कानून व्यवस्था बिगड़े, इसके लिए आदेश जारी किया। इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस जाब्ता के साथ फोर्स भी तैनात कर दी गई है। वहीं पायलट को पद से हटाने के बाद दूसरा में सचिन पायलट के समर्थकों ने सरकार से विधायक मंत्री ममता भूपेश द्वारा CM अशोक गहलोत का समर्थन देने पर उसका पुतला फूंका गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सचिन पायलट के समर्थन के चलते ममता भूपेश फिर विधायक और मंत्री बनी है। मंत्री विश्वेंद्र सिंह को कैबिनेट पद से मंत्री पद से बर्खास्त करने के बाद भरतपुर में विश्वेंद्र सिंह के समर्थन में पानी की टंकी पर पार्षद चढ़ गया। सूचना मिलने पर पुलिस जाब्ता सहित पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझा बुझा कर उसे नीचे उतर। इसके अलावा अन्य संगठनों ने भी प्रदर्शन की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि प्रदेश अध्यक्ष पद से उप मुख्यमंत्री पद से हटाने के साथ ही सचिन पायलट समर्थक मंत्रियों को भी पद से हटाया गया, जिसे सचिन पायलट के अलावा विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को मंत्रिमंडल से हटाकर राजस्थान PCC का नया अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बना दिया गया। जिसके बाद अब राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष पद गोविंद सिंह डोटासरा संभालेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, सचिन पायलट के हाथ में कुछ नहीं था, ये सब BJP का है षड्यंत्र। राजस्थान में कांग्रेस में पड़ी फूट को दूर करने के पार्टी के सारे प्रयास नाकाम रहे हैं। पार्टी को सचिन पायलट को मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना पड़ा है। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि पार्टी को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा है क्योंकि सबके पीछे BJP का हाथ है। गहलोत का कहना है कि ये हॉर्स ट्रेंडिंग का षड्यंत्र है जो कि पिछले 6 महीनों से चल रहा था। हम सबको इसकी जानकारी थी, ये चलता रहा, लेकिन हमारे कुछ साथी इसे गुमराह होकर चले गए। गहलोत ने आगे कहा कि BJP के मंसूबे पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जो खेल खेला था वह पूरा नहीं हो चुका है। मैं दुखी होकर कहता हूं कि आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार आया जो कि धन बल के आधार पर सरकारों को तोड़ रही है BJP।
ये पहली बार हो जब पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं होता है। बीजेपी पर हमलावर होते हुए मुख्यमंत्री ने एक रिपोर्ट का आरोप लगाते हुए कहा कि धन बल की से काम नहीं था, 30 से 35 पता नहीं करोड़ कितने करोड़ की इनकी प्लानिंग थी। सरकार तोड़ने के प्रयास को लेकर गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे पीसीसी चीफ रहे सचिन पायलट के हाथों में कुछ नहीं था, ये सब बीजेपी का करा धरा है, बीजेपी ने ही रिसोर्ट की व्यवस्था की और वही सब मैनेज कर रही थी। गहलोत ने बताया कि जिस टीम ने मध्य प्रदेश में काम किया वह टीम अब राजस्थान में काम कर रही है। अशोक गहलोत का कहना है कि हमारी सरकार गुड गवर्नेंस दे रही है, जो हमने वादा किया हम उसे निभाया, फिर प्रचंड में पड़े COVID-19 से अभी एक साथ मिलकर कार्य किया है, किसी को भूखा नहीं सोने दिया, राजस्थान में कैश को लेकर रोजाना राशन पहुँचाया। वही अभी कोरोना का कहर खत्म नहीं हुआ, लेकिन इस दौर में भी सरकार को गिराने की साजिश बीजेपी कर रही है। आखिर में मजबूरी में हाईकमान को फैसला करना पड़ा, क्योंकि काफी लंबे अरसे थे जो षड्यंत्र कर रही थी, लेकिन आगा मैंने कई बार और हमारे किसी नेता को ट्रैक्टर नहीं आना चाहिए। ये पिछले 6 महीने से षड्यंत्र चल रहा है और हम सबको जानकारी थी कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है और चढ़ी हो रही है और ये चलता रहा और जो स्थिति आज पहुंची उसी कारण पहुंची है। हमारे कुछ साथी गुमराह होकर के चले गए दिल्ली के अंदर और बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए। उन्होंने जो कुछ भी खेल खेला था धनबल के आधार पर, जैसे कर्नाटका के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान, वही करना चाहते थे। बोलो, खुला खेल था और मैं समझता हूँ कि खुले खेल में वो लोग मार खा गए, क्योंकि जनता भी समझ गई है, जनता को बहुत बड़ा प्रेशर है, विधायकों पे जो गए हैं वहाँ उनके पे बहुत बड़ा प्रेशर है कि आपको अपने चुनाव जीता के भेजा 5 साल के लिए। मध्य प्रदेश में ये हो रहा है कि अब 5 साल में गए जीत के लिए आप 1.5 साल वापस क्यों आ रहे हो, तो ये जो स्थिति बनी देश के अंदर बहुत खतरनाक स्थिति है। मैं बार बार कहता हूँ और मैं दुखी होकर कहता हूँ कि जिस रूप में हॉस्टली हो रही देश के अंदर, पहली बार आज़ादी के बाद में अच्छी गवर्नमेंट आई है देश के अंदर, जो धन बल के आधार पर सरकार को तोड़ रही है, मरोड़ रही है और टोपड़ कर रही है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 9 लाख हुआ पार, 24 घंटों में 28,498 नए कोरोना के मामले आए सामने, 553 लोगों की हुई है पिछले 24 घंटों में मौत। देश में कोरोना संक्रमण मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, एक दिन में वायरस के 28,498 नए मामले सामने आए। इसी के साथ ही देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले मंगलवार को 9 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। देश में लगातार 5वें दिन कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले 26,000 से अधिक आए हैं। मंगलवार 8 बजे किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 553 लोगों की मौत हुई है। हालांकि मृतकों की संख्या बढ़कर अब भारत में 23,727 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर अब 9,06,752 हो गए हैं, जिनमें 3,11,565 अभी भारत में एक्टिव केस चल रहे हैं। वही 5,71,460 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है कोरोना से ठीक होने के बाद। कुल पुष्ट मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि करीब 63.2% भारत में रिकवरी रेट चल रहा है। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ICMR की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 13 जुलाई तक कोरोना के लिए 1,20,92,503 नमूनों को परीक्षण किया गया, जिनमें 2,86,247 नमूनों की जांच सोमवार को की गई है। COVID-19 मामलों में 1 लाख पहुंचने में 110 दिन लगे थे, वही केवल 56 दिनों में 9 लाख पार पहुंच गए। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान जिन 553 लोगों की जान गई है, उनमें सबसे अधिक 193 लोगों की जान महाराष्ट्र में गई, इसके बाद कर्नाटक में 73 और तमिलनाडु में 67 लोगों की जान गई है, दिल्ली में 40, आंध्र प्रदेश में 37, पश्चिम बंगाल में 24, उत्तर प्रदेश में 21, बिहार में 17 और राजस्थान में 15 लोगों की मौत सोमवार को हुई है। वहीं गुजरात और मध्य प्रदेश में 10-10 लोगों
लोगों की जान गई है। वहीं तेलंगाना में 9, जम्मू कश्मीर में 8 और हरियाणा में 7 लोगों की मौत सोमवार को हुई है। उड़ीसा में 6 और पंजाब में 5, झारखंड और गोवा में 3-3 करोड़, केरल और उत्तराखंड में 2 और असम और दादर नगर हवेली और दमन दीव में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई। आंकड़ों के अनुसार कोविड 19 के अब तक सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 10,482 लोगों ने जान गंवाई है। इसके बाद दिल्ली में 3,411, गुजरात में 2,055 लोगों की जान गई है। वहीं तमिलनाडु में 2,032, पश्चिम बंगाल में 956, उत्तर प्रदेश में 955 और कर्नाटक में 757 लोगों की मौत हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में 763, राजस्थान में 525 लोगों और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 365 लोगों की मौत हुई है। वह हरियाणा में कोविड 19 के कारण 308 लोगों की मौत हुई है। पंजाब में 204, जम्मू कश्मीर में 187, बिहार में 160 और उड़ीसा में अभी तक 70 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। वह उत्तराखंड में 50, असम में 36 और केरल तथा झारखंड में 33 लोगों की जान गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस महामारी से छत्तीसगढ़ में 19 और पांडुचेरी में 18, गोवा में 17, हिमाचल प्रदेश में 11 और चंडीगढ़ में 8 और